लेकिन अगर आपको भोजपुरी में पूछना हो क्या करता रहो, अब वो छोटा हो या बड़ा, बहन खाने को मिलेगा बहन, यूमी यूमी हम भूखा लोग आ चुके हैं पार्टी में खाने को एकदम से। पता है कल मम्मी के स्कूल में फंक्शन है, अगर आप डॉटर्स हो तो मम्मी का ये पक्का तारा रहता होगा कि बेटी रहने का कोई फायदा है, कोई काम नहीं करती है बेटी वाला। खैर हम तो नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि करें, बट मम्मी को चाहिए था थोड़ा सा बिंदी एंड ऑल, मतलब जितना भी सामान होता है जिससे हम लोग सजते धजते हैं, मम्मी का कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है अपनी बेटियों से। अभी हम पार्टी में जा रहे तैयार होके, लास्ट मोमेंट पे आई वेंट टू द शॉप एंड गॉट माय मम्मा सम व्हाटएवर थिंग्स, जो भी था बैक पेन एंड ऑल। हम छोटे होते थे ना, एकदम छोटे छोटे, तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता था किसी पार्टी में जाने के लिए, एकदम तैयार व्यार होते थे, लिपस्टिक लाइनर पता नहीं क्या क्या। बट जब से बड़े हुए सबसे मेन मुद्दा होता है कहाँ जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए। जो कार्ड मिलता था हमें खूब तैयार होके जाते थे, खूब तैयार होके जाते थे थोड़ा, बट अभी ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि कोई इंटरेस्ट नहीं रहा तैयार होने में। हाँ ये लिपस्टिक तो कांस्टेंट है, तब भी लगाते थे अब भी लगाते हैं। अभी दिखाऊंगी मैं कैसे तैयार हुई हूँ, एकदम इंटरेस्ट ही नहीं रहा रेडी होने में। ये इनर बहुत सिंपल सा लगता है, पता है ये इनर और उसके ऊपर से कोई भी जैकेट लगा लो तो बहुत सेक्सी सा लुक आता है, सिंपल सा विद दिस 4 साल पुराना जीन्स एंड देन चप्पल, ने तो अति ही कर दी। कोई इंटरेस्ट नहीं सजने में, इंटरेस्ट है खाने में बस। ये लो, ये तू लाने गई थी? हाँ तो कहाँ लाने जाएंगे, मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती है, अभी भी गुस्सा है, कोई फायदा नहीं हुआ लाने का। चलो फ्रेंड्स, मतलब होता है ना हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे पेरेंट्स किस चीज से खुश होंगे किस चीज से नहीं। कभी कभी बिना मतलब का खुश हो जाते हैं और कभी कभी नो मैटर व्हाट यू डू खुश नहीं होते हैं। यार बताओ, मैं तो दौड़ कर गया, मम्मी मेरी खुश हो गई, थैंक यू। और एक और बात पता है, अभी हम जा रहे हैं सारा फैमिली, बचपन में नॉस्टैल्जी आ गया, पूरा पूरा नॉस्टैल्जी आ गया, सब जा रहे पार्टी में खाने। और ये इनर वाला लुक है ना, यू कैन सी माय लुक, अब ये जो इनर में जो ये वाला डिजाइन साइड में रहता है ना, ये जीके जनरल नॉलेज वाला, ये वाला क्या है यार, हट, बहुत बेकार सा लगता है। अब इतना डिसेंट सा इनर, ये इनर होगा कम से कम 2 साल पुराना और ये जैकेट 3 साल, और जीन्स का तो मत ही पूछो। हाँ मेरा चप्पल नहीं हुआ, अपडेटेड है। और अगर आप बिहार से नहीं आना तो आप अनलकी हैं कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का जो भोजपुरी गाना होता है ना, सुनने में भी मज़ा आता है, गाने में भोजपुरी लैंग्वेज इतना सुंदर इतना प्यारा है ना कि क्या बताया जाए। यहाँ डिस्को चल रहा है, यहाँ पे जैसे आप नॉर्मली अगर हिंदी में बोलो या किसी भी तरह का लैंग्वेज बोलो तो अगर आपको आप बोलना होगा तो ये बोल से क्या कर रहे हो आप या फिर क्या कर रही हो, लेकिन अगर छोटे हो तो क्या कर रहे हो तुम, लेकिन अगर आपको भोजपुरी में पूछना हो क्या करता रहो, अब वो छोटा हो या बड़ा हो दोनों के लिए यूनिफॉर्म रहता है और वो बड़ा प्यारा लगता है यार। अभी सिचुएशन ये है कि पापा बहुत सीरियस है और घर में कलेश हुआ कठिन परेशान आत्मा, हम लोग को तो गली खाने से मतलब है नहीं खाने को मिलेगा बहन, बहन खाने को मिलेगा बहन, यूमी यूमी हम भूखे लोग आ चुके हैं पार्टी में खाने को। हमें पार्टी में आए हुए 1.5 मिनट हुआ है लगभग, पापा से लड़ाई की कि पापा इतना जल्दी खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा तो शर्म होना चाहिए कि आते आते स्टार्ट हो गए, बट जब पापा मेरी दीदी वॉज लाइक चलो नहीं यार खाते हम प्लेट उठा ही रहे थे, पता नहीं कितना सेकंड में पापा पूरा खाना लेके बैठ भी गए। पापा मेरे सुपर फास्ट है, पहले हम संकोच करते थे कि 2 रोटी ले 2 पूड़ी ले थोड़ा सा शर्म कर ले, पर अब देखो मेरी पूड़ियाँ। राजू को पार्टीज का पुलाव पसंद नहीं आता है पता नहीं क्यों, और रायता बहुत पसंद आता है हर जगह का, कम से कम 4 लिए मैंने। जन्म जन्म का भूख मिटा है, पार्टी में बुलाया गया है। दीदी कैसा लग रहा है खाना? दादी भी खुश, दीदी भी खुश। दादी से हम पूछ रहे हैं कि दादी का कितना बड़ा पंडाल था यू नो दादी इज थोड़ा सा शाय, नो दैट इज वेरी नॉर्मल। तो हमारे दादी चाचू ये लोग का शादी तब तो समैना बनता था, अगर आप लोगों को नहीं पता समैना क्या होता है तो मैं बता दूं, बहुत बड़ा 9 मीटर का साड़ी है, बहुत बड़ा, जिसको काट के छोड़ मजाक नहीं करता नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत बड़ा पंडाल रहता है क्योंकि बस ऊपर से कवर्ड रहता है। ये गांव में होता है, हम लोग आरा जिला से हैं तो वहां पर शादी में अटेंड किए हैं तो ऐसा हुआ है, तो हम लोग देखते थे तो सोचते थे कि इतना बड़ा कपड़ा आता कहां से, बाद में बड़े हुए तो पता चला कि उन कपड़ों को अटैच किया जाता है। खैर वो बात का बात है,
उसके बाद एक प्रोजेक्टर लगता था जिसपे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी टाइप का कुछ चलता था जो हमको कभी समझ में नहीं आया। उसके बाद नाचने वाले लोग आते थे, वो तो अभी भी आता है, इनफैक्ट अभी भी होता होगा वैसे शादी, बट हम अब जाते नहीं है तो हम था यूज कर रहे हैं वर्ड। आपको पंडाल का साइज दिखा दे, ये रहा। ज्यादातर हमारे लोकेलिटी में पंडाल ऐसे ही सजते हैं, ये रहा कुछ ऐसे। और इस जैसे बुकर्स आपको मिल जाएंगे हमारे पार्टी में, लोकल पार्टी में, शक्ल से जितने ही मासूम उतने ही बड़े बुखड़। पापा आपको शादी में इतना ही बड़ा पंडाल था? तिलक का पंडाल भी इससे बड़ा था। बहन देखो अभी तुम पंडाल के अंदर हो। यार कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए उतना करते हैं और वो चीज बिल्कुल इनफ होता है। दादी बोलती है ना हमको पकड़ो मत गिर जाएंगे। ऐसे कैसे गिर जाओगे, पकड़े हुए हैं, गिर जाएंगे चलेंगे ना। ठंड इतनी बढ़ गई है ना, क्या बताऊँ। मतलब जैकेट तो उतार दिया क्योंकि हीटर के सामने बैठे हैं। क्या खाना अच्छा था, बैच पानी पूरी लास्ट मोमेंट पे खा ली एंड एवरीथिंग वाज जस्ट सो बैड देन। अब नहीं खाने वाले हैं शादी का पानी पूरी अंटिल आई सी की कोई इंसान 5 मिनट तक बैठ के खा रहा है। शादियों में बहुत रेयरली आप राजू को अब देखेंगे पानी पूरी खाते। चलिए फिर राजू आपसे मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो। एंड प्लीज टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब टू राजू चैनल। भाई अति हो गया। हाँ तो अमंत कर देंगे।